कैंट पुलिस ने दो अभियुक्तों को अवैध असलहे के साथ गिरफ्तार किया है, जिसके संबंध में एसएसपी डॉक्टर विपिन ताडा ने प्रेस वार्ता करते हुए बताया कि मुखबिर की सूचना पर दो अभियुक्तों को मोहद्दीपुर रोड वी पार्क के पास से गिरफ्तार किया गया है, जिनके पास से दो तमंचा, एक पिस्टल, 3 जिंदा कारतूस बरामद किया गया है, जिनकी पहचान गोविंद बासफोर पुत्र राजेश बासफोर निवासी इक्षापुर मोहल्ला चुनरीपाड़ा वार्ड नंबर 13 थाना नवापार जनपद 24 परगना प्रदेश पश्चिम बंगाल, दूसरा सूरज यादव पुत्र सरोज यादव निवासी देवीपुर वार्ड नंबर 1 बासफोर निवासी इक्षापुर मोहल्ला चुनरीपाड़ा वार्ड नंबर 13 थाना नवापार जनपद 24 परगना पश्चिम बंगाल के रूप में हुई है। एसएसपी ने बताया कि दोनों अभियुक्तों ने पूछताछ में बताया कि हम लोग पश्चिम बंगाल के रहने वाले हैं तथा हम लोग दो दिन पूर्व आकर अविनाश शर्मा उर्फ पिंटू पुत्र सुखमंगल शर्मा निवासी संसारपार थाना बड़हलगंज जनपद गोरखपुर के यहां आकर रुके हुए थे तथा अविनाश शर्मा ने ही हम लोगों को यह असलहा दिया था। इन असलहों को ले जाकर पश्चिम बंगाल के अशोक नामक व्यक्ति को देना था, किंतु ले जाते समय ही रास्ते में हम लोग गिरफ्तार हो गए। उन्होंने बताया कि दोनों अभियुक्तों के ऊपर मुकदमा पंजीकृत कर जेल भेज दिया गया है तथा गिरफ्तार करने वाली टीम को 10,000 का पुरस्कार दिया जाता है। गिरफ्तार करने वाली टीम में कैंट थाना प्रभारी शशि भूषण राय, एसओजी प्रभारी चंद्रभान सिंह, सर्विलांस प्रभारी धीरेन्द्र राय, अरुण कुमार सिंह, चंदन खरवार, क्राइम ब्रांच हेड कांस्टेबल राजमंगल सिंह, राशिद अख्तर खान, सनातन सिंह, राम इकबाल राव, जितेंद्र सिंह, इंद्रेश वर्मा, कांस्टेबल नमित मिश्रा सहित रणवीर प्रताप सिंह शामिल रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसएसपी डॉक्टर विपिन ताडा ने कहा, उसमें तो कोई व्यवस्था नहीं है। 11 बजे रात्रि कर्फ्यू शुरू हो जाएगा तो हो जाएगा, अगर वो मैनेज कर लिए हैं और शिकायत आ गई तो मुकदमा दर्ज हो जाएगा उन पे, क्योंकि वो 4,499 का जो निकला है हमने बात किया है। 100% ट्रैफिक अनुपालन सुनिश्चित, ये कर्फ्यू का अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा। यदि किसी क्षेत्र में ये गतिविधियां पाई गई तो वहां के पुलिसकर्मी भी दोषी होंगे। थाना कैंट और एसओजी पुलिस ने मिलकर कल दो अपराधियों को पकड़ा जो कि अवैध असलाह की तस्करी कर रहे थे। दोनों अपराधी गोविंद और सूरज ये 24 परगना कलकत्ता के रहने वाले हैं और इनके पास से पुलिस ने दो अवैध तमंचे और एक अवैध पिस्तल बरामद किया है। इनसे पूछताछ में इन्होंने बताया कि थाना बड़लगंज जनपद गोरखपुर का एक अपराधी जयविंद चौधरी ये कलकत्ता जेल में बंद है, वहाँ एक सुनार की दुकान में डकैती करने के आरोप में वो वहाँ बंद था। उनसे ये लोग संपर्क में आए और इनके अनुसार उसी ने इनको बताया यहाँ आने का बड़लगंज में, और एक पिंटू है बड़लगंज के निवासी जिनके यहाँ आकर ये रुके और वहाँ से इन्होंने ये अवैध असलाह लिए और इसको तस्करी करके ये कलकत्ता ले जा रहे थे। ये असलाह किसके हैं, कहाँ से आए और किस किस अन्य को अगर बेचे गए हैं तो कहाँ बेचे गए हैं, इस सब की पुलिस जानकारी कर रही है। अभी इन दोनों अभियुक्तों का आपराधिक इतिहास क्या है इसकी भी जानकारी की जा रही है। फिलहाल इन दोनों को पकड़ के गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है और पुलिस ने बहुत अच्छा कार्य किया, जो अवैध असलाह की तस्करी हो रही थी उसे रोका। इसके लिए पुलिस को 10,000 रुपये नकद पुरस्कार मेरी तरफ से घोषणा की गई है।